कहाँ के हो आप लोग? कहाँ काम किया है? हम कर्नूल के आगे नंदियाल। नंदियाल से? कर्नूल नंदियाल से आप टू व्हीलर पे आ रहे इधर? दो ही राज्य के हैं इधर? तीन, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान के कितने लड़के? आठ नौ। चार पांच लोग, ठीक है। चलो किधर जा रहे फिर आप? अपने अपने गांव को जा रहे सब जने, टू व्हीलर पे और पैदल ट्रक में? क्यों, किस लिए जा रहे? सर जहाँ काम करते थे तो भगा दिया, खाना नहीं देता, पैसा नहीं दिया, भगा दिया, तो क्या करते इधर? कौन कंपनी वाला? कंपनी वाला नहीं, ऐसे लोकल का काम करते थे। राइट। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो एक किस्म का बीमारी है। ये जो वायरस जब अंदर घुसता ना आदमी के अंदर, 14 दिन तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता, खांसी बुखार जुकाम कुछ भी पता नहीं चलता 14 दिन तक। कौन सा टेस्ट चलेगा पता? अब हमारे यहां भी कुछ लोगों के ऊपर डाउट रहा तो उन लोगों को घर में डाल के बाहर से ताला डाल दिए, खाने का पीने का सब अंदर ही कमरे के अंदर, ना वो बाहर आने का ना बाहर से कोई अंदर जाके उससे बात करने का। ये तेलंगाना राज्य का सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय केसीआर साहब का आदेश है, जो भी राज्य से आएंगे, जो भी काम करने को यहां लेके वापस जाने वालों को रोक लो, कोई किधर जाने का नहीं है। तो आपको समझाना काम है मेरा, जो तेलंगाना राज्य सरकार जो हमारे को आदेश दिए हैं ऊपर से पूरी व्यवस्था करे हैं, जहां के वहां जितने भी काम के लिए जो भी राशि यहां हैदराबाद या हो, मेडचल हो, कहीं भी हो, छतर, करंट, फैन वगैरह देता, यहां पूरे मैडम लोग, हमारे जो थानेदार साहब, ये सरपंच साहब, पूरे आपको पानी भी लगा देंगे, इधर दो का खाना मिलता, किसी का कुछ बुखार आ गया, कुछ पैर में दर्द, पीठ में दर्द, सर में दर्द, बोलो डॉक्टर को इधर ही बुला ले। मॉडल रहता ना राज्य का, वहां स्टेट से स्टेट में आने का मना, वहां डंडा भी गिर सकता आपको, नहीं तो केस भी हो सकता, नहीं तो जेल में डाल दिया जाता। अगर चलो भाई आप कुछ तो भी कर ले के वहां से भी पार होके निकल गए, आपके राज्य में आपको ही खुद घुसने नहीं देते, पता है आपको? आपके राज्य में खुद आपके लोग अंदर आने नहीं देते। कहां काम से करते करते इधर निकल के आ गए? हैदराबाद से। अब मेरे बात पे ध्यान दो आप सब लोग, जहां आपको ठहरा गया है ये एरिया का नाम है तूपरा, ये मेदक डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं ये जिला का एडिशनल एसपी हूं मैं, ओके? आप जो भी राज्य से आए होंगे, जहां भी आप काम करे होंगे, मगर आज जो लॉकडाउन पूरी देश में लगाया गया है, रास्ते में भी आपको खाना नहीं मिलता, पूरा बंद है ना पूरी देश में, राज्य के बीच में जो भी बॉर्डर रहता ना, इंटरस्टेट बॉर्डर बोलते, वो पूरा बंद कर दिया गया। इसीलिए जो तेलंगाना राज्य का सरकार एक डिसीजन ले लिया, जितने भी लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्य से जीने के लिए या काम के लिए, आप लोग वर्कर्स होंगे या टेक्नीशियंस होंगे, कोई भी होंगे, ये जो तेलंगाना में काम के लिए आए हैं, वो आज यहां तेलंगाना छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं वहीं रहेंगे, आराम से रहो, हमारे पूरी ऑफिसर्स है इधर, आपको दो वक्त के खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, आराम से रहो, या उधर इधर भागने की जरूरत नहीं करना, अगर निकले भी कहीं एक जगह क्यों नहीं जाते, ये फंक्शनल नहीं तो दूसरी फंक्शनल, आप आराम से यहीं बैठ जाओ, खाना खा लो, रेस्ट लो, किसी का तबीयत खराब है तो उसका बीमारी है, मेडिकल ऑफिसर के डॉक्टर लोग आएंगे इधर,
आप लोगों का जो भी टेस्ट करेंगे कोई टैबलेट दवा के बाद बोला बोले तो उसका इंतजाम भी होगा। आपके घर वालों को फोन पे बता दो हम सब सुरक्षित है इधर, तेलंगाना राज्य का सरकार हमारे को यहाँ रखती है, दो वक्त की खाना मिल रहा, मेडिकल फैसिलिटी है, पानी की सहूलत है, आराम से यहाँ बैठने का छत के नीचे। आप सब राजस्थान के हैं, एमपी के भी, यूपी। तो बात क्या है, आपका जो रास्ता राज्य का रास्ता है बहुत लंबा है। ये तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री माननीय केसीआर जी ने जितने भी लोग कहां कहां से तो भी आए होंगे, आप किसी बात का चिंता ना करें, आप आराम से यहीं रहिए, आपके घर को या दोस्तों को फोन में बता दो, कालकल एरिया में एक फंक्शन हॉल में हम है, तेलंगाना राज्य सरकार हमारा देखभाल करने का पूरी इंतजाम व्यवस्था कर दिया गया, पूरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर सब आपके लिए है। और देखो वो महिला देखो छोटे बच्चे को लेकर जा रही है बहन, इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जितने दिन आप रहते हैं उतने दिन आपको दो वक्त का रोटी मिलेगा, खाना इधर, पानी का सहूलत है। हम आपको समझा रहे यहाँ आराम से बैठिए, करंट है, फैन है, दो वक्त का रोटी मिलेगा आपको, आराम करो। जब तक काम मिलेगा आपका, ये जो पूरा सिचुएशन सेटल होगा ना, आप आराम से रहिए, आपके जो माँ बाप है घर पे फोन पे बात कर लो, यहाँ हमारे कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने का पूरा इंतजाम यहाँ तेलंगाना सरकार ने कर दिया, हम यहाँ रह रहे मुल्क के देखो। ओके, जितने दिन ये हाल रहेगा उतने दिन आपको खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिलाएंगे, आपको आराम से रखेंगे। थैंक यू।